हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर का मतलब होता है जब एक्स्ट्रा फैट आपके लीवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर हमारी बॉडी का स्टोर हाउस होता है। नॉर्मली वो जितने भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट स्टोर करता है, लेकिन जब ये ओवर जब एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है। इसको हेपेटिक स्टिटोसिस भी कहा जाता है। अब जब फैट जो है धीरे धीरे करके ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है लीवर पर, तो लीवर का जो साइज़ है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान मोटा होता है तो हम बोलते हैं ना उसको, यार तू फैटी होता जा रहा है, तू मोटा होता जा रहा है। तो इसी तरह से जो लीवर है, जब लीवर पर फैट डिपॉजिट होता है तो फैट जो लीवर है वो भी फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब थोड़ा सा उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है। और जो फैटी लीवर होता है, स्टार्टिंग में उसका कोई खास लक्षण नहीं आते। जो लक्षण होते हैं वो जैसे आपके पेट में भारीपन लगेगा, या जैसे लीवर राइट साइड पर होता है तो राइट साइड पर हल्का सा भारीपन लगता है। कुछ लोगों में कोई पेट में गैस लगता है, एसिडिटी लगती है, या फिर भूख कम लगती है, या थकान रहती है, कमज़ोरी सी फील होती है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है, और साथ में कुछ लोगों में हिपेटोमिगैली भी आता है। मतलब जो लीवर का साइज़ है नॉर्मल, जैसे 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो जिनके लीवर जो इनलार्ज होता है उसमें ये 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर जो है लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है फैटी लीवर की वजह से। तो जो फैटी लीवर है इसके रीजंस क्या हैं? जो इसका रीज़न है कॉमन, एक तो होता है अल्कोहल। जो लोग ड्रिंक बहुत करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसकी वजह से उनका लीवर फैटी हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल के सेवन की वजह से ट्राइग्लिसराइड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। और जो बार बार अगर आप फिर भी ड्रिंक जो है कम नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आपके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो है लीवर के ऊपर पड़ते हैं, और धीरे धीरे करके आपके लीवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। और इतने भी पर भी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे जाके सिरोसिस या कैंसर ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। और दूसरे जो रीजंस होते हैं अल्कोहल के अलावा, जो सबसे कॉमन रीज़न है आजकल का, वो है पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड की ओवर कंसप्शन। आजकल जो लोग हैं वो मोस्टली क्या कर रहे हैं कि पैक्ड फूड यूज़ करते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपके लीवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। मतलब लीवर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके जो फैट है वो लीवर पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल का सबसे कॉमन रीज़न तो गलत लाइफस्टाइल और पैक्ड फूड्स है। उसके बाद जो आता है वो है मोटापा। मोटापा जो होता है उसमें फैट जो है एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है लीवर में, और फैटी लीवर की कंडीशन बनती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, उनको जो है फैटी लीवर की कंडीशन जो है ज़्यादा होती है। जिनको शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर पेशेंट में जो है फैटी लीवर की कंडीशन कॉमनली पाई जाती है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी मेडिसन्स हैं, ड्रग्स हैं, जिनके ऊपर की जिसकी कारण जो है लीवर के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट आता है। अगर आप लेके आते हैं मेडिसिंस मार्केट से एलोपैथिक, आपने देखा होगा उसके ऊपर कॉशन लिखा होता है इंजरियस टू लीवर, बट फिर भी सभी लोग मेडिसिंस खाते हैं, और वो मेडिसिंस जो है इतनी टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो उसकी वजह से लीवर पे साइड इफ़ेक्ट आता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिंस, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड्स, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो कुछ है कि जो ये रीज़न्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिनमें ये रीज़न्स हैं उन्हीं को फैटी लीवर होगा, बाकी दूसरे पेशेंट्स में भी जो है फैटी लीवर देखा गया है, वो उसका रीज़न जो है उनका गलत लाइफस्टाइल है। जो फैटी लीवर है मोस्टली वो ऑलरेडी जो है 101% जो है क्योरेबल होता है। मतलब अगर आपको अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आता है, हिपेटोमेगैली आता है, वो 101% क्योरेबल है अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। दूसरा, हमारा जो लीवर है अगर वो 75% डैमेज हो जाता है तब जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे पहले जो लीवर के सेल्स होते हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, रीग्रोथ कर लेते हैं, मतलब अपने आप को लीवर ठीक कर सकता है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है।
लेकिन उसके लिए आपको अपना जो है लीवर के ऊपर वर्कलोड कम डालना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसन, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज़ करते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड को आपको बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड ऑयल जो है, वाइट शुगर अगर आप यूज़ करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। इसकी वजह से लीवर के ऊपर जो है प्रेशर कम पड़ेगा और लीवर को इतना टाइम मिलेगा कि वो अपने आप को हील कर पाए। अगर आप ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तभी जाकर लीवर को टाइम मिलेगा अपने आप को हील करने का। अदरवाइज ही आपका जो फैटी लीवर है आगे जाके हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि इसमें जो है लीवर के सेल्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है जब फैट जो है बहुत लंबे टाइम तक आपके लीवर में पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से लीवर के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो लोग मोटे हैं और जो उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो लीवर को ठीक करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, तभी आप अपने लीवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये बिना मेडिसिन के भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।